बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू AMS हाई स्कूल। राइट स्टूडेंट्स, आज हम प्रेप क्लास इंग्लिश मीडियम उर्दू का लेक्चर नंबर 3 रेडी करेंगे, जिसमें हम आपको जोड़ के तोड़ सिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त आपका पेज नंबर 9 पे अलिफ वद्दा खुला हुआ है, जिसको हम अभी रीड करेंगे और आपको सिखाएंगे इसके जोड़ तोड़। अलिफ मद्दा से आम, अलिफ मद्दा मीम साकिन आम, अलिफ मद्दा से आड़ू, अलिफ मद्दा रे वाड़ू आड़ू, अलिफ मद्दा से आरी, अलिफ मद्दा रे छोटियरी आरी, अलिफ मद्दा से आदमी, अलिफ मद्दा दाल आद, मीम छोटिये मी आदमी, अलिफ मद्दा से आँख, अलिफ मद्दा नून आन, काफ दो चश्मी है खे आँख। स्टूडेंट्स, हम अब दो हरफी अल्फाज दोहराएंगे। अलिफ मद्दा बे आब, अलिफ मद्दा पे आब, अलिफ मद्दा जीम आज। दोबारा से अल्फाज पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा मीम साकिन आम, अलिफ मद्दा रे वाड़ू आड़ू, अलिफ मद्दा रे छोटियरी आरी, अलिफ मद्दा दाल आद, मीम छोटिये मी आदमी, अलिफ मद्दा नून आन, काफ दो चश्मी है खे आँख। स्टूडेंट्स, हमने ये अपने अल्फाज दोहराए, अब हम आपको फिकरात पढ़ाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको आपके पेज नंबर 9 नज़र आ रहा है, इस पर आपके फिकरात हैं, हम पढ़ेंगे। आलू ला दो, बाबा आम लाए, आज आप आए। फिर से पढ़ेंगे। आलू ला दो, बाबा आम लाए, आज आप आए। स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा, हम आपको इस अल्फाज के जोड़ तोड़ सिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपकी कॉपी रेडी है। हमने आपको कॉपी रेडी करना सिखाई थी। आप होमवर्क लिखते हैं, डे और डे मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये लाइंस बहुत एहतियात से, केयर से, बिल्कुल इक्वल ड्रॉ करनी है। और आपका सवाल है, जोड़ के तोड़ लिखें। यहाँ जोड़ लिखे हुए हैं, हम इनको तोड़ सिखाएंगे आपको। अलिफ मद्दा से आम लाइन के करीब रख के अलिफ मद्दा लिखेंगे, और डस का निशान लगा के आप लिखेंगे मीम आम, अलिफ मद्दा से आड़ू, अलिफ मद्दा छोटा सा प्लस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आड़ू रे वाड़ू आड़ू। उसके बाद आपके पास नीचे है स्टूडेंट्स, हम नीचे आते हैं। आपके नीचे मौजूद हैं अल्फाज। जी स्टूडेंट्स, आपको अपने रिमेनिंग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। आरी लिखा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पर अलिफ मद्दा प्लस रे प्लस छोटी ए आरी, अलिफ मद्दा दाल दस मी दस छोटी ए आंख लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, अलिफ मद्दा नून आन प्लस। स्टूडेंट्स, हम इसको काफ और हे यानी दो चश्मी है, कोई खटा भी लिख सकते हैं अलग भी। यहाँ पर मैं आपको इकट्ठा लिखना सिखाऊंगी। काफ की हाफ शक्ल को दो चश्मी हे में ऐसे तब्दील करके खे आँख। स्टूडेंट्स, आपके